मेरा शुभ नाम दिव्यन्दु कुमार चौधरी। हम अमरा बंगाली की एलएफपी है। बंगाली अमरा बंगाली जो समाज कर्मी है हम। अमरा बंगाली की मूल उद्देश्य यही है, पीआर सरकार ने जो प्राउड दर्शन दिया है, इस प्राउड दर्शन को सारे भारत में 44 को समाज डाला है। 44 को समाज मीन्स एक फूल की माले है जी। तो माले से हर फूल जब साथ रहेंगे तो माला को देखने अच्छा लगेगा, लेकिन एक माला के अंदर कोई एक फूल खराब हो जाएगा तो माला का जो सौंदर्य है वो ठीक नहीं रहेगा। तो पीआर सरकार ऐसे तरफ से हम लोग को बुझाया है, समाज हम लोगों को सिखाया है, ये माला को अच्छा रखना चाहिए तो हर फूल को अच्छा रखना पड़ेगा। अमर बंगाली कहाँ से कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, कहाँ से आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ? हमारा क्षेत्र है, हम लोग नहीं, पीआर सरकार ने भारत वर्ष में 44 को समाज दिया है जी जी। उसके अंदर अमरा बंगाली एक समाज है। तो अमरा बंगाली का जो एरिया है ये कलकत्ता का लेकर पूरा त्रिपुरा, असम का सिलचर तक, इधर बिहार और झारखंड का कुछ एरिया है। जैसा बिहार का किशनगंज का आधा है, पूर्णिया का थोड़ा सा है जी। और झारखंड झारखंड का ये धनबाद है, उड़ीसा का थोड़ा सिंहभूम भी है। जैसा जो झारखंड का जो सीमाना है, सिल्ली, सोनाहेतु, बोकारो, धनबाद, ऐसा पहले जो बंगाल में 10 गो भूम था, जैसा बीरभूम लेकर धनभूम तक, सिंहभूम तक, ये 10 भूम को बाबा ने आप पूरा 8.5 भूम ये बंगालिस्तान के अंदर दे दिया जी। पीआर सरकार ने जी इसी तरफ से हम लोग पूरा लेकर ये बंगालिस्तान बनाना चाहते हैं, पूरा त्रिपुरा तक, असम का जो बड़ा वैली है क्या, सिलचर से इधर करीमगंज, हाइलाकंदी, पतलाकंदी, अम्बागान, सब एरिया लेकर। तो इसका कार्यक्रम क्या क्या है आने वाला समय में? कार्यक्रम आपका क्या क्या? अच्छा, आने वाला कार्यक्रम यही है, देखिए अभी जो बंगाल का जो मूवमेंट हम लोग चाहते हैं, क्या कोई जाति जहाँ रहते हैं तो सो जाति को पहले उनका जो लैंग्वेज भाषा से भाषा का अवदमन होगा, उसका पैर का नीचे जो मिट्टी है वो चला जाएगा तो वो जाति गांव में नहीं रह सकता जी। क्या वो भस्मान हो जाएगा जी। तो इसीलिए पहले वो जो बंगालिस्तान की जो एरिया हम लोग सोचा है, पीआर सरकार ने जो दिया है, हम लोग का पहला मूवमेंट है ये बंगालिस्तान का जो मिट्टी है वो एरिया है वो लेकर हम लोग पूरा बंगालिस्तान बनाने चाहते हैं। उसके बाद हम लोग सरकार को बोलेंगे जो हम लोग का जो रेजिमेंट 1921 में बंगाली अमरा बंगाली का रेजिमेंट था, ब्रिटिश ने रेजिमेंट को तोड़ दिया था, वही रेजिमेंट में बंगाली कवि था, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, उन्होंने काम करते थे। जब रेजिमेंट को तोड़ दिया है ब्रिटिश सरकार ने, तब उन्होंने वो नौकरी छोड़कर फिर कलम पकड़ाया है और कलम से लिखा शुरू कर दिया है जी। तो बंगाली अदृष्ट कर्तिक अपमानित हो मरबे ना, সাংঘাতিক মার খেয়েও মারের উপর মাথা তুলে দাঁড়াবেন, এটা তিনি লিখেছিলেন। আমরা চাই বাঙালি রেজিমেন্ট যেখানে বাঙালি বেকার ছেলে মেয়ে চাকরি হবে, বাঙালি অধ্যুষিত এরিয়া নিয়ে বাঙালি স্থান। আমরা বাঙালি এই যে এনআরসি যেটা করছে এটাও ঠিক নয়, হামলোক এনআরসি কা বিরোধী হ্যাঁ, এনআরসি হামলোক চাহতে নেই হ্যাঁ, কি হামলোক ইন্ডিয়া কা হ্যাঁ, হামলোক ইধার কা, হামলোক জন্ম হ্যাঁ, ওই কব আয়া হ্যাঁ ও সকতা হ্যাঁ, লেকিন এক টাইম মে তো বাংলাদেশ और इंडिया और পাকিস্তান সব শ্রীলঙ্কা এক থা, শ্রীলঙ্কা বহুত পহলে চলা গিয়া, লেকিন 1947 में भारत को ब्रिटिश सरकार ने भाग बटोरा करके मेनली मेन दो जाति को दिखंडित किया है, एक पंजाब को, पंजाबी को और एक बंगाली को। इसीलिए एनआरसी हम लोग मानते नहीं है। 1947 से जब लोग यहाँ रहते हैं, जब बाद में भी आया है यहाँ, जिसका आधार कार्ड हुआ है, वोटर कार्ड हुआ है, रेशन कार्ड बनाना है, वो इंडिया के सिटीजनशिप है, हम लोग ऐसा सोचता है क्या, फिर जात पात को तोड़कर, फिर एनआरसी को तोड़कर हम लोग ये भाग बटोरा चाहते नहीं हैं। तो आने वाला समय में कोई आपका कोई कार्यक्रम है? कार्यक्रम है आने वाला, लेकिन जो पीआर सरकार ने जो प्राउड दर्शन दिया है। नहीं नहीं, अभी अभी फिलहाल अभी आपका कोई एजिटेशन या कुछ ऐसा कोई मूवमेंट ऐसा कुछ? हम ये हम बता रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। हम लोगों का अभी जो मूवमेंट है एनआरसी के बारे में चल रहा है, रेजिमेंट के बारे में चल रहा है, हम लोग सबसे हम लोगों का बड़ा मूवमेंट यही है जो अमरा बंगाली का जो मूल उद्देश्य है, हम लोग हर लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट देना चाहिए, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिष्ठा,
व्यवस्था, ये जो पांच को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग देना चाहते हैं, ये प्राउड दर्शन को लेकर, प्राउड दर्शन को वास्तविक करकर। अब सवाल कर सकता है जी आप लोग कैसे देंगे, सरकार नहीं दे सकता है, गोटा भारत नहीं दे सकता है, हमारा बगल कैसे दे सकता है। जैसे आपको आप हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है, ये ऑफ बंगाल में सबसे पाट उत्पादन होता है मुर्शिदाबाद नदिया में, तो आज यहाँ जो पाट उत्पादन हो रहा है वो चला जा रहा है विशाखापट्टनम में, बम्बई में, साउथ में, वहां से फिर कपड़ा बना के लेके, बोरा बना के लेकर ये बंगाल में आते हैं। हम लोग चाहते हैं पाट से जितना सारी चीज उत्पादन होता है वो बंगाल में ही करेंगे। और ये जो ब्लॉक भित्तिक परिकल्पना, कौन ब्लॉक से क्या क्या फसल होता है, कौन सा चीज होता है, कैसा धान होता है, कैसा सब्जी होता है, कैसा क्या होता है, आलू होता है, जहां से जहां उत्पादन होता है वहां से वहां लेकर वहां का फुल प्रोडक्ट, जैसे आलू से चिप्स, जैसे अनारस से जेली जैम, जस्ट लाइक ए ब्लॉक लेवल प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक भित्तिक अर्थनैतिक परिकल्पना, जी ब्लॉक भित्तिक अर्थनैतिक परिकल्पनार माध्यमे आमरा आज पर्यंत आज के 75 बछर जदि पिछिए जाए अनेक सरकार एसेछे তারা কোনো রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি যেখানে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। আজ ভারতবর্ষের বুকে তথা বাংলার বুকে এই বেকার সমস্যা একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। সুতরাং আমরা বাঙালি চাই ওই ব্লকভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যেখানকার যে ফসল সেই ফসলকে কাজে লাগিয়ে সেই ফসলের উপর থেকে শিল্প তৈরি করে সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণের মানুষকে সেই শিল্পে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রত্যেকটা বেকার সমস্যার সমাধান করতে চাই। যেমন উনি যেটা বললেন, আজকে এখানে বাংলার বুকে প্রচুর আলু হয়, সেই আলু এখানকার চাষিরা বহু কষ্ট করে সুদূর পাঞ্জাব থেকে 50-100 টাকা কেজি দরে সেই আলু নিয়ে আসে, দিয়ে সেখানে চাষ করে। এবার সেই আলু পুঁজিপতিরা জলের দামে সেই আলু কিনে নেয় এবং সেই চাষিরা লুজার হয়ে যায়, ক্ষুদ্র প্রান্তিক বর্গা পাট্টা চাষি, তারা বহু কষ্ট করে চাষ করে তার ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। তাই মহান দার্শনিক ঋষি শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার বললেন যে ওই ফসল থেকে, ওই আলু থেকে শুধু আলুকে খাবার পারপাসে ব্যবহার করলে হবে না, ওই আলুকে আলুর শিল্পে পরিণত করতে হবে, আলু থেকে আলুর চিপস তৈরি হবে, আলু থেকে আলুর ভিতরে অ্যালকোহল আছে, সেই অ্যালকোহল থেকে আমরা সেখানে জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি করতে পারি, সেটা আমার ব্লকেই তৈরি হবে, সেটা ওই কলকাতা ম্যাড্রাসে তৈরি হবে না। এবং আমার ব্লকে যদি এই জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি কারখানা তৈরি হয় তাহলে আমার এলাকার ছেলেরা ছেলেমেয়েরা যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিএ বিএসসি পাশ করে শুধু দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য ওই সুদূর বাইরে আরব দেশে পাড়ি দিচ্ছে, সেই মানুষগুলো সেখানেই চাকরি পাবে, সেখানেই কাজ পাবে এবং ব্লকভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আর সোসাইটি আরো স্ট্রং হবে এবং বেকার সমস্যা তাদের থাকবে না। একমাত্র আমরা বাঙালি এটা করতে পারে, আর কোনো রাজনৈতিক দলের এই প্রযুক্তি নেই। আজ 70-75 বছর ধরে আমরা যে পিছিয়ে যাই কেউ করতে পারিনি, তাই আমরা জোর দিয়ে এটাই বলতে পারি একমাত্র আমরা বাঙালি দল যেটা মানুষের পাশে আছে তারাই মানুষকে ওই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো জিনিসগুলো পার্টি দিয়া থা 42 और एमपी इलेक्शन में भी हम लोग कैंडिडेट खड़ा करे हैं। इलेक्शन में हम लोग लड़ता है लेकिन हर जगह में लड़ नहीं पाते हैं, क्या इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है और इतना आदमी भी नहीं है। हाँ सही बात।